हाँ हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं रिलेटिव मोशन। इलेवेंथ क्लास में रिलेटिव मोशन बोले तो सापेक्ष गति। ये बच्चों देखा जाए तो अपन जो पढ़ चुके हैं अभी वन डायमेंशन मोशन और टू डी मोशन, उसी से रिलेटेड टॉपिक है। मतलब हम जो पढ़ चुके हैं उसी से रिलेटेड हम एक कंसेप्ट कह सकते हैं इसको, जिसको बोल रहे हैं रिलेटिव मोशन का कंसेप्ट। तो रिलेटिव मोशन का कंसेप्ट क्या है ये आज की क्लास में हम देखेंगे। तो भाई टॉपिक का नाम है सापेक्ष गति, जिसको अपन बोले टॉपिक का नाम सापेक्ष गति। सापेक्ष गति जिसको हम इंग्लिश में बोल सकते हैं रिलेटिव मोशन। सापेक्ष गति बोले तो बच्चों रिलेटिव मोशन, ठीक है। अभी सापेक्ष गति से रिलेटेड क्वेश्चनों को हम कैसे करते हैं ये आज की क्लास में हम देखेंगे। तो जैसे कि मैंने तुम्हारे को एक विमीय गति पढ़ाते समय स्टार्टिंग में बोला था बच्चों कि कोई भी बॉडी रेस्ट में है या मोशन में है, ये डिपेंड करता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर, निर्देश तंत्र पर। तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं निर्देश तंत्र या फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है, ठीक है। तो हम सबसे पहले चर्चा कर रहे हैं, अभी टॉपिक का नाम ले रहे हैं हम लोग कि निर्देश तंत्र। निर्देश तंत्र, निर्देश तंत्र बोले तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस इसको बोलेंगे हम लोग, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस किसी भी वस्तु की या कण की गति की या विराम की अवस्था फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर डिपेंड करती है, निर्देश तंत्र पर निर्भर करती है। तो निर्देश तंत्र क्या होता है? निर्देश तंत्र एक ऐसी जगह होती है जहाँ से किसी वस्तु, उस जगह से किसी वस्तु की गति का अध्ययन किया जाता है। उस स्थान को, उस फ्रेम को, उस तंत्र को बोलते हैं बच्चों निर्देश तंत्र। तो क्या बात कर रहे हैं हम लोग कि ऐसा फ्रेम, फ्रेम का मतलब तंत्र या जगह, स्थान या स्थान, जगह का मतलब स्थान, स्थान जहां से किसी वस्तु या कण, जहाँ से किसी वस्तु या कण की गति का अध्ययन किया जाता है, गति का अध्ययन अध्ययन किया जाता है, जहाँ से किसी वस्तु या गति कण की गति का अध्ययन किया जाता है उसे निर्देश तंत्र कहते हैं, निर्देश तंत्र कहते हैं, ठीक है, निर्देश तंत्र कहते हैं। तथा किसी वस्तु की गति या विराम की अवस्था, किसी वस्तु की विराम या गति की अवस्था विराम या गति की अवस्था निर्देश तंत्र पर निर्भर करती है, निर्देश तंत्र पर निर्भर करती है, निर्देश तंत्र पर निर्भर करती है। क्लियर बच्चों? निर्देश तंत्र पर निर्भर करती है, मतलब कोई वस्तु चल रही है, रुकी हुई है, ये किस बात पर डिपेंड करेगा? ये डिपेंड करेगा फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर। जैसे एग्जांपल,
द्वारा समझे हम लोग। जैसे वस्तु, जैसे कि हम एक एग्जांपल ले रहे हैं कि जमीन या धरातल कह सकते हैं, धरातल पर खड़े व्यक्ति के लिए एक पेड़ विराम अवस्था में है, तब वही पेड़ सेम ट्री जो है, वही पेड़ चलती हुई बस में बैठे व्यक्ति के लिए, चलती हुई बस में बैठे चलती हुई बस में बैठे व्यक्ति के लिए व्यक्ति के लिए व्यक्ति के लिए गतिशील है। ठीक है बच्चों, तो पेड़ तो एक ही है। अब कोई उसको जमीन पर खड़ा होकर देख रहा है तब तो वो रेस्ट में नजर आ रहा है, कोई बस में बैठकर देख रहा है चलती हुई बस में, तो उस व्यक्ति के लिए वो पेड़ क्या है, पीछे की तरफ दौड़ते हुए नजर आते हैं। अपन ने भी ये ऑब्जर्व किया होगा जो सारा का सारा जो डिफरेंस आ रहा है कि एक ही पेड़ रेस्ट में भी है विराम में भी है, ऐसा जो डिफरेंस आ रहा है वो किसकी वजह से आ रहा है, निर्देश तंत्र की वजह से आ रहा है। क्योंकि जो जमीन पर खड़ा व्यक्ति है उसका निर्देश तंत्र क्या है, रेस्ट में है, स्थिर है, धरातल के सापेक्ष स्थिर है। बट जो व्यक्ति बस में बैठा हुआ है बच्चों, उसके लिए निर्देश तंत्र क्या है, गतिशील है। जो बस है वही उसके लिए निर्देश तंत्र का काम करेगी, तो वह क्या है, गतिशील है, तो उसके रेस्पेक्ट में क्या होगा, उसके सापेक्ष वो पेड़ गतिशील नजर आएगा। चलो अब हम चर्चा कर रहे हैं, क्या चर्चा कर रहे हैं कि सापेक्ष गति पर हम देखते हैं कि सापेक्ष गति क्या होती है। जैसे बच्चों हम बात करें एक उदाहरण के द्वारा सापेक्ष गति को समझना चाहेंगे, क्या समझना चाहेंगे कि ऐसे करते हुए कोई बस है, कोई बस है और बस में बहुत सारे पैसेंजर बच्चों बैठे हुए हैं, बस में बहुत सारे पैसेंजर हैं जो बैठे हुए हैं, ठीक है, और भी पैसेंजर हैं ये बैठे हुए हैं बस में। तो ये बस में बैठे हुए जो पैसेंजर हैं वो पैसेंजर क्या है कि ए, इसको ए और बी मान लेते हैं इसको, और इसको मैं सी मान लेता हूँ व्यक्ति को। तो ए और बी आपस में एक दूसरे को कैसे नजर आएंगे, रेस्ट में नजर आएंगे, जबकि ये बस क्या है, चल रही है अभी इधर की तरफ, ए बी वेलोसिटी से बस जा रही है। तो ए को बी कैसा नजर आएगा, ए को बी रेस्ट में नजर आएगा कि यार ये तो चल ही नहीं रहा है, तो मेरे पास में बैठा हुआ है इतनी देर से, हमारे बीच की डिस्टेंस तो चेंज ही नहीं हो रही है। तो कुल मिलाकर हम ये कहेंगे कि यहाँ पर जो बी है वो ए के लिए कैसा है, रेस्ट में है। बट हम बात करें सी के लिए, ये दोनों ए और बी दोनों कैसे दिखाई देंगे, चलते हुए नजर आएंगे। तो अपन ये कह सकते हैं कि सी के सापेक्ष ए और बी कैसे हैं, गतिशील हैं। तो अपन कहेंगे कि इनके बीच में सापेक्ष गति का मतलब क्या हुआ, ए और सी और ए के बीच में क्या हो रही है, सापेक्ष गति हो रही है। तो हम ये कहेंगे सापेक्ष गति को कैसे डिफाइन करेंगे बच्चों, तो देखेंगे हम लोग सापेक्ष गति को कैसे डिफाइन करेंगे कि किसी वस्तु या कण की, वस्तु की किसी वस्तु की किसी गतिशील गतिशील वस्तु या फ्रेम, वस्तु या फ्रेम निर्देश तंत्र, फ्रेम के सापेक्ष
गति का प्रेक्षण करना, गति का प्रेक्षण मतलब किसी वस्तु की गति को देख रहे हैं हम लोग, किससे, किसी गतिशील वस्तु या फ्रेम से। तो गति का प्रेक्षण करना, देखना, ऑब्जर्व करना, प्रेक्षण को सापेक्ष गति कहते हैं। सापेक्ष गति सापेक्ष गति कहते हैं, ठीक है बच्चों, सापेक्ष गति हम कहते हैं, ठीक है। अब देखो, अब ये सापेक्ष गति का कंसेप्ट जो है, सापेक्ष गति कहते हैं, अब इसमें क्या क्या रहेगा देखो, सापेक्ष कौन कौन से शब्द आएंगे, सापेक्ष विस्थापन रहेगा, बिल्कुल सेम, सापेक्ष वेग रहेगा, वेग या चाल हम कह सकते हैं, सापेक्ष त्वरण रहेगा, ऐसे करते हुए, पर सापेक्ष टाइम नहीं रहेगा भाई। टाइम जो है वो फ्रेम पर डिपेंड नहीं करता, तो अपन बोलेंगे सापेक्ष जो वेग है, विस्थापन है, त्वरण, ये सब कुछ सापेक्ष हो सकता है, पर समय नहीं रहेगा। चलो आफ्टर दैट हम आगे चर्चा करते हैं नेक्स्ट। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं भाई कि दो व्यक्ति हैं, ये दोनों के दोनों बच्चों कैसे हैं, गतिशील हैं, ये दोनों के दोनों हैं गतिशील। ए मान लो, सपोज करें ए है बी, ए ऑब्जर्वर है बी, जिसको मैं बोल रहा हूँ इसकी वेलोसिटी है वी बी, ए ऑब्जर्वर है ए, इसकी वेलोसिटी है वी ए, ऐसे करते हैं वी बी और वी ए। तो इसको अपन क्या बोल रहे हैं, इसको हम कह रहे हैं कि सापेक्ष वेग कैसे निकालते हैं बच्चों, ये हम समझना चाह रहे हैं। तो अपन देखेंगे बी का ए के सापेक्ष वेग, बी का ए के सापेक्ष वेग हम निकालना चाह रहे हैं भाई, बी का ए के सापेक्ष वेग, ठीक है, मतलब ए को ये कितनी स्पीड से चलता हुआ नजर आ रहा है, तो उसको देखेंगे हम बी का ए के सापेक्ष वेग। इसको मैं देख रहा लिख रहा हूँ कि वी का वेग निकाल रहे हैं हम किसके सापेक्ष, ए के सापेक्ष, ऐसे करते हुए, ठीक है। तो कैसे निकालते हैं बच्चों, तो इसमें एक कंसेप्ट याद रखना आप हमको कि जिसके सापेक्ष निकाल रहे हैं उसकी वेलोसिटी को हम घटा देते हैं, वेलोसिटी या त्वरण या विस्थापन जो भी है, जिसके भी सापेक्ष निकालेंगे उसको हम सेपरेट कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल वी अपन को ये निकालना है, तो भाई बी का निकालना है वेग मेरे को, तो बी का वेग निकालना है किसके सापेक्ष, ए के सापेक्ष। तो मैंने क्या किया, मैंने किया बच्चों कि इसको मैंने सेपरेट कर दिया, ये हो जाएगा वी बी ए वेक्टर बराबर हो जाएगा वी बी वेक्टर माइनस वी ए वेक्टर, ऐसा करते हुए हमने देखा भाई, ठीक है। और चर्चा करते हैं, क्लियर। तो ए हुआ कि बी का ए के सापेक्ष वेग निकालना है, तो किसके सापेक्ष वेग निकाला बच्चों अपन ने, ए के सापेक्ष, तो ए के वेग को हमने घटा दिया है, तो जिसके सापेक्ष निकालेंगे उसको हम घटा देते हैं, ठीक है। और देख रहे हैं हम लोग, तो कुल मिलाकर ए जो है कि जिसके सापेक्ष निकाल रहे हैं कि ए को एक कितनी स्पीड से चलता हुआ नजर आ रहा होगा, वो है ए के सापेक्ष वेग। और देखते हैं हम लोग इसी का उल्टा, देखते हैं कि ए का बी के सापेक्ष वेग निकालें तो कितना हो जाएगा, ए का बी के सापेक्ष वेग, ए का बी के सापेक्ष वेग कि हम वेग निकाल रहे हैं अभी किसका, ए का, किसके सापेक्ष, बी के सापेक्ष, ऐसे करते हुए, ठीक है। तो इसको क्या लिखेंगे हम लोग कि किसका निकाल रहे हैं हम लोग, ए का, तो वी ए मतलब ए की वेलोसिटी से बच्चों अपन क्या करेंगे, वी ए, ए का निकाल रहे हैं तो वी ए वेलोसिटी माइनस वी बी, ऐसे करते हुए अपन ने देखा, समझा बच्चों, ठीक है। तो ये अपना हुआ कंप्लीट, ऐसे करते हुए, ठीक है भाई।
ये हमने देखा भाई ऐसे करते हुए कि ए का बी के सापेक्ष वेग कैसे हम फाइंड करते हैं। तो भाई ओवरऑल कॉन्क्लूजन ये निकला बच्चों कि जिसके सापेक्ष अपने को वेग निकालना है, जिसके सापेक्ष हमें त्वरण निकालना है, जिसके सापेक्ष हमें विस्थापन निकालना है, तो जिसके सापेक्ष निकालते हैं उसी के वेग या त्वरण या विस्थापन को हम घटा देते हैं। कैसे देखो एक और देखते हैं, दोनों के दोनों जो हैं ऑब्जर्वर उसके लिए बात करते हैं हम त्वरण की, तो क्या हो जाएगा भाई अगर मान लो एक्सीलरेशन दिया होता वी की जगह हम त्वरण मान लेते हैं कि ए की जगह त्वरण भी मान लेते हैं, इनका त्वरण कितना है ए है बी है ठीक है, तो त्वरण के लिए क्या कहते हैं हम लोग कि वी का ए के सापेक्ष त्वरण ठीक है। तो वी का ए के सापेक्ष त्वरण की बात करें भाई कि बी का त्वरण निकालना है मेरे को ए के सापेक्ष, तो बच्चों ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कि हम वी का त्वरण निकाल रहे हैं ना, तो बी का त्वरण निकालेंगे तो ए बी वेक्टर किसके सापेक्ष निकाल रहे हैं ए के सापेक्ष, ऐसे करते हैं तो ए आ जाएगा फाइनली कि बी का ए के सापेक्ष हम त्वरण निकालेंगे तो ये क्या होगा ठीक है बच्चों। तो त्वरण ऐसे विस्थापन भी निकाल सकते थे हम लोग, पर यहाँ पर एक बात याद रखनी है कि ए जो है वो ऐसे फ्रेम के रेस्पेक्ट में है जो सभी के लिए कॉमन हो, ये अपन सभी के लिए कॉमन का मतलब ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, इसको अपन क्या बोल सकते हैं ग्राउंड के रेस्पेक्ट में धरातल के सापेक्ष, ये जो है वो किसके सापेक्ष है बच्चों धरातल के सापेक्ष वेग हैं। चलो अब अपन एक छोटे छोटे से क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं, बस कंसेप्ट यही था सापेक्ष गति का, ज़्यादा कुछ नहीं मानना है, बाकी तो क्या है जो अपनी जैसे वेलोसिटी है ये जो अपन ने इक्वेशन ऑफ मोशन देखी थी वी बराबर यू प्लस ए टी, तो यहाँ पर क्या लग जाएगा बच्चों रिलेटिव लग जाएगा आर लग जाएगा, आर का मतलब क्या हुआ रिलेटिव वेलोसिटी, हम निकाल देंगे रिलेटिव वेलोसिटी एक्सप्रेशन लिख लेंगे तो आर लग जाएगा, या रिलेटिव का मतलब आर ई एल लिख दूँ मैं यहाँ पर आर ई एल तो ऐसे हो जाएगा। और देख रहे एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, बच्चों ये अपन ने समीकरण देखी है समत्वरित गति के लिए समीकरण देखी है, अब इन इक्वेशंस को भी अपन किस में काम में ले सकते हैं रिलेटिव मोशन में हम काम में ले सकते हैं, कि जब अपन कुछ क्वेश्चन भी आज की क्लास में हम करेंगे कि ये रिलेटिव हो जाएगा ये रिलेटिव हो जाएगा बच्चों ठीक है ना, तो ये रिलेटिव मोशन के लिए सारी इक्वेशन काम में आ सकती हैं। चलो तो अब एक क्वेश्चन करते हैं हम लोग, बिल्कुल सरल सा क्वेश्चन है कैसे देख रहे ऐसे करते हुए हम बात कर रहे हैं कि दो ऑब्जर्वर ले लेते हैं बच्चों, ए है ए ऑब्जर्वर और ये चल रहा है 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, और ये चल रहा है भाई कोई दूसरा ऑब्जर्वर है इधर की तरफ दौड़ रहा है 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से ठीक है, इनके बीच की दूरी मान लेते हैं भाई, बीच की दूरी अपन कंसीडर कर लेते हैं, ऐसा बीच की दूरी कंसीडर नहीं कर रहे अपन, सिंपल क्या निकाल रहे हैं कि हमें फाइंड करना है पहले पार्ट में ए का बी के सापेक्ष वेग ठीक है बच्चों, ए का बी के सापेक्ष वेग, और दूसरा हो जाएगा बी का ए के सापेक्ष वेग ठीक है। अब देखो इधर की डायरेक्शन को मैं पॉजिटिव कंसीडर कर रहा हूँ, इधर एक्स एक्सिस होता है ना, तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, तो इधर की डायरेक्शन को हम क्या मान रहे हैं एक्स एक्सिस मान रहे हैं, तो देख रहे भाई क्या देख रहे हैं हम लोग ये बी है ऑब्जर्वर, तो पहला पार्ट में पहले भाग में बच्चों अपन को क्या निकालना है ए का बी के सापेक्ष वेग निकालना है कि ए को बी कितनी स्पीड से दौड़ता हुआ चलता हुआ नजर आ रहा होगा, ए को बी कितनी स्पीड से चलता हुआ नजर आ रहा होगा, तो देख रहे हैं हम लोग भाई कि हमें निकालना है ए का बी के सापेक्ष वेग निकालना है, तो क्या हो जाएगा भाई वी ए वेक्टर माइनस वी बी वेक्टर, ये सब ग्राउंड के सापेक्ष दौड़ रहे हैं भाई धरातल के सापेक्ष दौड़ रहे हैं, तो ऐसे हो जाएगा। अब ए का निकालना है ए का बी के सापेक्ष, ये क्या हो जाएगा कि वी ए बी बराबर ए का वेग निकाल रहे थे हो जाएगा 5 माइनस का 10, तो फाइनली कितना जाएगा बच्चों माइनस का 5 मीटर पर सेकेंड,
कि अगर बी इसको देखेगा, बी ए को देखेगा तो क्या होगा, ये इधर की तरफ चलता हुआ नजर आ रहा होगा, ए बी को ए किधर की एक्चुअल में देखा जाए तो ये इधर की तरफ चल रहा है, पर इसके रेस्पेक्ट में किधर की तरफ चलता दूर जाता हुआ नजर आ रहा होगा। तो ये है इसका मतलब। माइनस साइन का मतलब क्या हुआ बच्चों, कि अगर जो बी है ये मुड़कर किसको देखेगा, ए को देखेगा, तो ये किधर की तरफ चलता हुआ नजर आ रहा होगा, पीछे की तरफ चलता हुआ नजर आ रहा होगा, ठीक है ना। तो ये माइनस का साइन है, ठीक है। उसी टाइप से देख रहे हैं हम लोग सेकेंड पार्ट में, क्या देख रहे हैं, बी का ए के सापेक्ष वेग, मतलब जो है ए अगर बी को देखेगा तो उसको बी कैसे कितनी स्पीड से चलता हुआ नजर आ रहा होगा, तो हो जाएगा वी बी ए की वेलोसिटी निकाल रहे हैं हम लोग बी की ए के सापेक्ष, तो भाई वी वी जिसके सापेक्ष निकालते हैं उसी की स्पीड को बढ़ा देंगे हम लोग, ए के सापेक्ष निकाल रहे थे की स्पीड को बढ़ा देंगे हम लोग ऐसे करके, तो ये कितना हो जाएगा, बी की स्पीड कितनी है 10 मीटर पर सेकेंड, तो ये 10 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा भी, तो फाइनली जब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हो जाएगा 5 मीटर पर सेकेंड। इस प्रकार से बच्चों हमने देखा, ठीक है। तो अपन ने बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन किया, आप दैट हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहे हैं देखो बच्चों, इस प्रकार से है, इस बार चोर और सिपाही वाला अपन क्वेश्चन लेते हैं, कि ये तो है सिपाही पुलिस वाले हैं, ठीक है, ए है पी पुलिस, पी का मतलब पुलिस है भाई, और ये स्पीड है इसकी 20 मीटर पर सेकेंड, और एक चोर है, इसकी स्पीड है 10 मीटर या 15 मीटर मान लो, चलो 15 मीटर पर सेकेंड, इनकी बीच की दूरी है बच्चों 50 मीटर, ऐसे करते हुए, ठीक है। क्वेश्चन है कितने समय में पुलिस चोर को पकड़ लेगी, क्वेश्चन क्या है, कितने समय में पुलिस चोर को पकड़ लेगी, कितने समय में पुलिस चोर को पकड़ लेगी, कितने समय में पुलिस चोर को पकड़ लेगी, ठीक है। अब देखो भी दोनों दौड़ रहे हैं, पर पुलिस यहां पर कंपेरेटिवली ज्यादा स्पीड से दौड़ रही है, पुलिस यहां पर क्या है बच्चों, तुलनात्मक रूप से ज्यादा स्पीड से दौड़ रही है, तो इनकी बीच की डिस्टेंस क्या होती जाएगी, लगातार कम होती जाएगी, लगातार कम होती जाएगी, कम होती जाएगी, और एक समय ऐसा आएगा कि इनकी बीच की डिस्टेंस क्या हो जाएगी, घटकर जीरो हो जाएगी। जीरो का मतलब पुलिस और चोर साथ साथ आ जाएंगे, मतलब पुलिस ने चोर को पकड़ लिया है। तो अब इस क्वेश्चन को बच्चों हम दो तरीके से कर सकते हैं, एक तो कर सकते हैं बिना रिलेटिव वाले कंसेप्ट से, और एक कर सकते हैं रिलेटिव मोशन वाली कंसेप्ट से। देखो बिना रिलेटिव मोशन की मैं इसको कैसे करके दिखा रहा हूँ, ये अपन ऑलरेडी इस टाइप की वन डायमेंशन मोशन पढ़ चुके हैं, इसलिए बिना रिलेटिव वाले कंसेप्ट से हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे वो देख रहे हैं, ठीक है भाई। तो देखें हम लोग कि माना कि पुलिस चोर को टी टाइम में पकड़ लेती है, कितने टाइम में, टी टाइम में पकड़ लेती है पुलिस, माना कि पुलिस चोर को टी टाइम में पकड़ लेती है, माना माना पुलिस चोर को टी समय में पकड़ती है, ठीक है भाई, टी समय में पकड़ती है। तो देखो सोचे हम लोग इसी में कि टी समय में पुलिस द्वारा तय की दूरी क्या हो जाएगी, टी समय में पुलिस द्वारा
चली गई दूरी, चली गई दूरी कितना हो जाएगा भाई? ये हो जाएगा दूरी बराबर होता है चाल इंटू समय। तो चाल कितनी है 20 और समय कितना है बच्चों टी, इस प्रकार से 20 इंटू टी। इसी प्रकार से चोर द्वारा चली गई दूरी कितनी हो जाएगी? चोर द्वारा चली गई दूरी, चोर द्वारा चली गई दूरी ये हो जाएगा बच्चों 15 टी। क्लियर? अब चोर पुलिस को पकड़ ले मतलब इसकी तुलना में कितना चलेगा जब ये दोनों साथ साथ आ जाएंगे? ये पुलिस चोर क्या है, दोनों साथ साथ आ गए हैं, ये पी है और ये सी है, तो ये कितना चला पुलिस वाला कितना चला भाई? इसकी तुलना में 50 ज़्यादा चलेगा ना, तो ये जो 20 टी है वो किसके बराबर हुई भाई? 15 टी प्लस 50 के बराबर हुई ना यार। ऐसे करते हुए पुलिस कितना ज़्यादा चलना पड़ेगा पकड़ने के लिए 50, तो पुलिस द्वारा जो तय की गई दूरी है टी समय में 20 टी, ये किसके बराबर होगी? चोर द्वारा चली गई दूरी प्लस 50 ज़्यादा चलेगा तभी तो बराबर आएगा ना। तो अब इसको सॉल्व कर लेंगे क्वेश्चन को, तो इधर की तरफ लेकर आए घट जाएगा तो 5 टी रह जाएगा। 5 टी बराबर 50, तो टी बराबर कितना हो जाएगा भाई? ये हो जाएगा 50/5 बराबर 10 सेकेंड। और 10 सेकेंड में किसको कितना चलना पड़ेगा ये भी अपन बता सकते हैं। तो ये तो किया भाई अपन ने किसके सापेक्ष? ये बिना सापेक्ष गति के, इसमें कोई सापेक्ष गति का कोई अपन ने कंसेप्ट काम में नहीं लिया। अब हम देख रहे हैं नेक्स्ट सापेक्ष गति के इस कंसेप्ट से क्या लगेंगे कि पुलिस के सापेक्ष चोर का वेग, पुलिस के सापेक्ष चोर का वेग, सी का वेग निकाल रहे हैं, पुलिस के सापेक्ष निकाल रहे हैं बच्चों, तो क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा चोर का वेग, नहीं पुलिस का वेग निकाल रहे हैं, चोर का पुलिस के सापेक्ष, चोर को अपन रेस्ट में मान लेते हैं, सापेक्ष का मतलब रेस्ट में मान लिया है, सापेक्ष पुलिस का वेग, और पुलिस को गतिशील मान लेते हैं, पुलिस को गतिशील मान लेते हैं, तो चोर के सापेक्ष पुलिस का वेग कितना हो जाएगा कि चोर के सापेक्ष पुलिस का वेग, कि पुलिस कितनी स्पीड से दौड़ रही है, किसके सापेक्ष? चोर के सापेक्ष हो जाएगा पी वेक्टर माइनस चोर की वेलोसिटी सी वेक्टर। ऐसे करते हुए ये क्या हो जाएगा? पी सी वेक्टर बराबर पुलिस का वेग निकाल रहे हैं हम लोग, पुलिस का वेग कितना है भाई? 20 है, माइनस चोर का कितना है? 15 है, तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 5 मीटर/सेकेंड। इसमें डिस्प्लेसमेंट कितना है भाई? चोर के सापेक्ष पुलिस का जो डिस्प्लेसमेंट है, पुलिस के सापेक्ष चोर का, कि पुलिस से जो चोर है वो कितनी दूरी पर है वो अपने को पता है, इनकी डिस्टेंस कितनी है? इतनी मीटर है। तो हमें मालूम है टाइम निकालना है, तो टाइम बराबर क्या हो जाएगा भाई? टाइम बराबर एस पी सी अपॉन मतलब डिस्प्लेसमेंट और पुलिस का वेग चोर के सापेक्ष कितना जाएगा? ये जाएगा 50/5 बराबर 10 सेकेंड। तो यदि ये जो है वो ई गोइंग अपना वन स्टेप में ही आंसर आ जाता है। तो ए है कौन सा कंसेप्ट? रिलेटिव मोशन वाला कंसेप्ट, जिससे और भी कोई बड़े बड़े क्वेश्चन जो होंगे बच्चों वो सरलता से आ जाएंगे, ठीक है ना। अब हम एक क्वेश्चन और करते हैं, ठीक है, चोर और पुलिस वाला कंसेप्ट से एक क्वेश्चन और करते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, तुम लोग खुद करना, मैं इसमें इसको होमवर्क में दे रहा हूँ। कैसे कि देख रहे हैं हम लोग, ए तो है पुलिस, ए पुलिस वाला है और एक कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है, कितने से? 20 मीटर/सेकेंड की स्पीड से। और एक चोर है जो यहाँ से कितनी दूर डिस्टेंस पर है, यहाँ पर एक चोर है वो है 150 मीटर की दूरी पर। ऐसे करते हैं,
जैसे ही चोर पुलिस को देखता है वो कितनी एक्सलेशन से सपोज करें कि ए जो एक्स का एक्सलेशन है सी का चोर का वो कितना है भाई, ए है 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के त्वरण से दौड़ना स्टार्ट कर देता है इधर की तरफ, ठीक है, और इसका त्वरण कितना है ए पी, पी का पुलिस का जो एक्सलेशन है वो 0 है और इसका कितना है इतना है, ठीक है ना, और जबकि इसका प्रारंभिक वेग यू कितना है भाई ए 0 है। तो क्वेश्चन है कितने समय में पुलिस चोर को पकड़ लेगी, ठीक है बच्चों, इसको रेट मोशन से करने की कोशिश करना, ठीक है, बाकी की बातें अपन लोग मैं बताऊंगा कि इसको कैसे करते हैं। तो एक थोड़ा सा आज अपन ने बेसिक बातें की इससे रिलेटेड, रिलेटिव मोशन सापेक्ष गति से संबंधित। अब हम नेक्स्ट क्लास में 2D मोशन जो अपन ने देखा है, 2D मोशन जो पढ़ा है द्विविमीय गति, उससे संबंधित अपन सापेक्ष गति के बारे में पढ़ेंगे बच्चों, और इससे जैसे ये जो क्वेश्चन है और भी इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं उनको भी हम डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही सफिशियंट, बाकी की बातें हम लोग नेक्स्ट क्लास में करते हैं। थैंक यू स्टूडेंट।